हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत, चोल चालुक्य, पल्लव और संगम युग। तो इस टॉपिक में हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो है बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ वह था राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था वो था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह है उत्तर मेरुर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवारियम। नेक्स्ट है, सही कथन है, चोलों ने पांडित्य चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपी भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों का की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमा है। नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट है, 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल चेर पल्लव तथा राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वो था चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य चोल कदंब तथा कलचुदी राजवंशों में से वह जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वो थे चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। गंगाकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था वो था कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है, एदिपत्ति वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। नेक्स्ट है, तनियूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। नेक्स्ट है, घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था
जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था वो था तगल। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल चालुक्य पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो था चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में। नेक्स्ट है, संस्कृत के कवि और नाटक का कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन पे शब्द द्योतक था कालीमेच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पादिकारम के लेखक थे इलेगो आदिगल। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तिरुक्कुरल दर्शन, तोलकापियम व्याकरण, शिल्पादिकारम प्रेम कथा, मणिमेखले फणिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडु ताम्रलिप्त कोर के तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडु के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था वो था अरिकामेडु। नेक्स्ट है, रोमन बस्ती प्राप्त हुई है अधिकामेडु से। नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम्ब चेर चोल तथा पांड्य राजवंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है वो थे कदम्ब। चेर चोल पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था वो था पल्लव। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल। तमिल रामायणम या रामावतार का लेखक था कंबन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बदामी, पल्लव पनमल है। नेक्स्ट है, चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्ट दिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य का अंततः समाप्त किया मलिक कफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पत्तन जो पश्चिम तट पर स्थित थे नौरा तोंडी मुशिदी एवं नीलसेंडा। संगमकालीन साहित्य में कौन वो एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम तथा द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई एवं कपाटपुरम अलेवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आधिकरण किया उन्हें आर्य बनाया अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित करना है चालुक्य बदामी, पल्लव कांचीपुरम, हर्ष कन्नौज, पांड्य मदुरई। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है वो था मातपालिन। चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्यों में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया वो था चालुक्य। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में 1226 ईस्वी पूर्व में भेजा था वो था पांड्य। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल,
महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ, हावड़ा। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आप ये सारी क्लासेस को रिवाइज करते जाइए, ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, थैंक यू।